जब मैं छोटी थी अपने गांव में, हमारे गांव में एक नहर है और हमें जब बच्चे थे तो ये कहा जाता था कि वो नहर जो है वो वहाँ काफ़ी बारिश होती है तो उसको पार मत कीजिए क्योंकि आप डूब जाएंगे, तो पार मत कीजिए। तो मुझे लगता था कि उसके पार ही शायद अमेरिका और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसलिए ये लोग हमें मना करते हैं कि इसको पार मत कीजिए। तो मुझे लगता था जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं ये नहर पार करूँगी, फिर मुझे हर चीज़ की सोच समझ आने लगेगी, मैं भी बड़े शहरों में जाऊँगी, बड़े स्कूलों में जाऊँगी। फिर हम लोग दिल्ली आए, जब हम दिल्ली आए तो फिर हम फिर भी घर में तमिल बोलते थे, छोटे से बहुत ही छोटे से स्कूल में जो मेरे माँ बाप और ने शुरू करी जिसका नाम है फेथ एकेडमी, जिसमें सिर्फ 6 बच्चे थे उस वक्त जब मैंने पढ़ना शुरू किया 1990 में, 6 ही बच्चे थे वहाँ पे, और उनमें से एक मैं थी और उनमें से 3 टीचर थे जिसमें से एक मेरी अम्मा थी। और वही सिलसिला जारी रहा। आज उस स्कूल में 6,000 बच्चे हैं दिल्ली में, 3 शिफ्ट्स हैं और तकरीबन 225 टीचर्स हैं। लेकिन जो शिक्षा की जगह है लड़कियों की और महिलाओं की ज़िंदगी में, वो और किसी चीज़ की नहीं हो सकती। इसलिए जब मैं आप लोगों को यहाँ, कई स्कूल यूनिफॉर्म्स में हैं, कई नहीं हैं आप में से, जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आपने शिक्षा को वो जगह दी जिस जो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जब मेरी शिक्षा ख़त्म हुई 12वीं में, तो अब मैं कॉलेज गई दिल्ली में, वो तब भी मेरे लिए एक नया माहौल था क्योंकि हमें इतना बाहर जाना नहीं मिलता था, तो हम जाते थे और कॉलेज से वापस आ जाते थे। फिर हमारे वालिद साहब ने कहा कि देखिए आप एक ही चीज़ बन सकते हैं, आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो आप IAS के पेपर दीजिए, और हमने दिए, और वो ऐसी बदकिस्मत है कि दिए और पास भी हो गए। और हम हमारी ट्रेनिंग थी 2 साल मसूरी में, हमारा बिल्कुल मन नहीं था, हमारा जर्नलिस्ट बनने का मन था, हमारा बिल्कुल जो है IAS ऑफिसर बनने का बिल्कुल मन नहीं था। तो हमने जर्नलिज्म के एग्ज़ाम्स दिए और इतने में ऐसा हुआ कि हमसे IAS भी छूट गया और हमारे वालिद साहब ने हमें जर्नलिस्ट भी नहीं बनने दिया। लेकिन फिर हमने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और बहुत डट के की, बहुत मन से की, बहुत डट के की। फिर 7 साल हमने जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया। जब मैं बहुत छोटी थी, जब हम न्यूयॉर्क में मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन अमेरिका में एक शहर है जहाँ संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो जब हम अपने वाले से जब हम बहुत छोटे थे उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है तो गाड़ी नहीं रोक सकते आप, तो उन्होंने मुझे उतार करके बस एक बात बोली कि देखिए ये UN की बिल्डिंग है, मैं उतनी थी जितनी वे रही हैं, और उन्होंने कहा ये UN की बिल्डिंग है, क्या यहाँ आप काम करेंगी? और वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा था और उसकी जल्दबाजी में मैंने कहा हाँ मैं यहाँ काम करूँगी, और मुझे तकरीबन 22-23 साल लगे उसके बाद, लेकिन मैंने UN में काम किया। और आज की डेट में मुझे खुशी भी है, गर्व भी है और ह्यूमिलिटी भी है ये कहते हुए कि उम्र में अक्रॉस जितने भी कंट्रीज़ हैं जो UN को बनाते हैं, जो 1 से 90 से ऊपर हैं, मैं जो हूँ सबसे कम उम्र की हूँ टू लीड अ कंट्री। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी महिला या कोई भी लड़की, और मैं ये अपनी कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत उन्हीं जड़ों से है जहाँ से आपकी है, और ये कहानी मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये कहानी मैंने जी है, आई हैव लिव्ड दिस लाइफ। और मुझे लगता है कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की एक बार मन में ठान ले, बस एक बार अपनी सोच में सोच ले बस, तो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, और आप में तो आप तो बहुत ही आगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से मिलके, हमें याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। असल जो हमारे काम का प्रोत्साहन है वो आपसे है, वो आपसे है। अगर गांव में देश नहीं बदल रहा तो अगर दिल्ली में बदल रहा हो यानी उसका कोई मतलब नहीं है।